दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस की फाइनल मैच में जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों WPL का पहला ही फाइनल मुकाबला जीती मुंबई इंडियंस की टीम, तो BCCI ने खुश होकर करी पैसों की बरसात, खिलाड़ी हुए रातों रात मालामाल। तो दोस्तों आपको यहां सभी खिलाड़ियों को कौन कौन से अवार्ड मिले और उन अवार्ड के साथ कितने करोड़ रुपए की धनराशि मिली। हरमनप्रीत कौर को BCCI से तो इनाम मिला और नीता अम्बानी ने अपनी तरफ से कितने करोड़ दिए वो जाने बिना, तो कहीं भी मत जाइएगा और बने रहिएगा इस मजेदार रोमांचक वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि WPL में जीतने वाली टीम को करोड़ों रुपए की धनराशि देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय सोच विचार करके हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि मुंबई इंडियंस ने ब्रबॉन स्टेडियम में खेले गए वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले सीजन के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 7 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। हालांकि दिल्ली की टीम ने इस मैच में लड़ाई तो लड़ी लेकिन नेट सीवर की शानदार पारी ने उन्हें जीत हासिल करने नहीं दी। जन सीवर ने नाबाद रहते हुए 60 रनों की पारी खेली और मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उनका अच्छा साथ दिया और 37 रन बनाए। इन दोनों के बीच हुई 72 रनों की साझेदारी ने मुंबई को काफी मदद की और उसने दिल्ली द्वारा रखे गए 132 रनों के लक्ष्य को 3 गेंद पहले ही हासिल कर लिया और इस मैच में दिल्ली का टॉप ऑर्डर फेल हो गया और एक समय तो लग रहा था कि टीम 100 रन के पार भी नहीं जा पाएगी। लेकिन अंत में राधा यादव और शिखा पांडे ने तूफानी पारी दिखाते हुए दिल्ली के स्कोर को 9 विकेट पर 131 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि यहां पर शिखा पांडे ने 17 गेंदों में 27 रन बनाए तो वहीं उनका साथ निभा रही राधा यादव ने 12 गेंदों में 27 रन बनाकर दिल्ली की टीम के स्कोर को 131 पर पहुंचा दिया था। लेकिन जब मुंबई इंडियंस की टीम मैदान पर उतरी तो यहां पर हिली मैथ्यूस और यास्तिका भाटिया दोनों अपने विकेट गवा चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम तो यहां से वापसी कर लेगी। लेकिन दोस्तों नेट सीवर बंट और हरमनप्रीत कौर ने दिल्ली की टीम का खेल बिगाड़ दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जो शानदार पारी करी उसके बदौलत ही दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में यह हरा पाने में कामयाब हो सकी, वरना दिल्ली की कप्तान मैग लैनिंग तो अपने बस में इस मुकाबले को कर ही चुकी थी। हालांकि WPL के पहले सीजन का यह पहला फाइनल मुकाबला था और इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस की टीम ने जीतकर कई बड़े कीर्तिमानों में शुमार कर लिया। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि भारतीय कप्तान और मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर मैच जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आई क्योंकि उनको करोड़ों का इनाम तो मिला और साथ में उनकी मालकिन नीता अंबानी की तरफ से भी करोड़ों का इनाम मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को दिया गया। तो आइए चलिए अब एक एक करके आपको बताते हुए चलते हैं कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद आखिर किस बल्लेबाज और किस गेंदबाज को किस चीज के लिए कौन सा अवार्ड मिला और कितने रुपए की रकम खिलाड़ियों को अदा की गई इस मुकाबले के लिए। और हाँ दोस्तों आप सभी यहाँ पर मुंबई इंडियंस की जो टोटल रकम है यानी कि BCCI द्वारा और नीता अंबानी द्वारा जो दी गई है उसे जाने बिना तो अंत तक कहीं भी मत जाइएगा। तो चलिए अब एक एक करके आपको बताते हुए चलते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं पर्पल कैप होल्डर हिली मैथ्यूज से, जिन्होंने WPL में 16 विकेट लेकर पर्पल कैप का खिताब जीता और उन्हें इस अवार्ड के लिए 5 लाख रुपए की रकम दी गई, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हो। तो वहीं दोस्तों बात करें आगे बढ़ते हुए अगले अवार्ड के बारे में। जो दोस्तों अगला बड़ा अवार्ड दिया गया वो मिला इस मुकाबले में पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड, जो कि राधा यादव को मिला और उन्हें इस अवार्ड के लिए 1 लाख रुपए दिए गए, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं बात करें अगले अवार्ड के बारे में। जो दोस्तों अगला अवार्ड मिला वो इस मुकाबले में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस को मैच जिताने वाली नेट सीवर बंट को दिया गया, जहां उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया और फाइनल मुकाबले में ऐसी प्रदर्शन के लिए उनको 2.5 लाख रुपए दिए गए, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले अवार्ड के बारे में। जो दोस्तों अगला अवार्ड मिला सफारी पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड सोफी डिवाइन को दिया गया, जहां उन्होंने सबसे तेज गति से रन बनाने के मामले में यह अवार्ड जीता और दोस्तों उनको इस अवार्ड के लिए 5 लाख रुपए दिए गए, जैसा कि आप सब यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले अवार्ड के बारे में। जो दोस्तों अगला अवार्ड मिला वो यास्तिका भाटिया को दिया गया, जहां उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता और इस पूरे ही टूर्नामेंट में यास्तिका भाटिया ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे तेज गति से 200 रनों का आंकड़ा पूरा किया था और सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए, इसीलिए उनको इस अवार्ड के लिए 5 लाख रुपए दिए गए, जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं बात करें अगले अवार्ड के बारे में। जो दोस्तों अगला अवार्ड मिला वो इस पूरे ही टूर्नामेंट में दोनों कप्तान हरमनप्रीत कौर और मैग लैनिंग को अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने के लिए एक साझा अवार्ड दिया गया, जो कि दोनों कप्तानों ने शेयर किया और इसके लिए उनको 5
5 लाख रुपए दिए गए। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो वही बात करें अगले अवार्ड के बारे में, जो दोस्तों अगला अवार्ड मिला वो हरमनप्रीत कौर का था, जो कि उन्होंने कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता। और शानदार कैच लेने वाली हरमनप्रीत कौर को इस अवार्ड के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले अवार्ड के बारे में, जो दोस्तों अगला अवार्ड निकल कर आता है इस सूची में, वो है ऑरेंज कैप विनर का, जो की मैग लैनिंग को दिया गया, जहाँ मैग लैनिंग ने सबसे ज्यादा 345 रन जड़कर ये खिताब अपने नाम किया। हालांकि दूसरे नंबर पर यहाँ नेट सीवर बंट का नाम आता है, लेकिन नंबर वन पर मैग लैनिंग है, जिसके लिए उनको 5 लाख रुपए दिए गए। तो वही बात करें अगले अवार्ड के बारे में, दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय टाटा कैपिटल का अवार्ड दिया गया, वो हिली मैथ्यूज को दिया गया, जहाँ उनको इसके लिए 5 लाख रुपए दिए गए। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो दोस्तों, करोड़ों रुपए तो हिली मैथ्यूज के पास ऐसे ही पहुंच गए इन अवार्डों के जरिए। वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले अवार्ड के बारे में, जो दोस्तों अगले अवार्ड दिए गए वो इस मुकाबले के सभी एम्पायर्स को दिए गए, जहाँ उनको राडो की घड़ी का एक स्पेशल एडिशन इस मुकाबले का दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो सभी एम्पायर्स की तस्वीरें। वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले अवार्ड के बारे में, जो दोस्तों अगला अवार्ड मिला वो दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तान मैग लैनिंग को दिया गया, जहाँ मैग लैनिंग रनर अप टीमों में से एक थी, और इसके लिए मैग लैनिंग और उनकी टीम को इस मुकाबले में दूसरे नंबर पर समाप्त करने के लिए 3 करोड़ रुपए के चेक से नवाजा गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो दोस्तों, मैग लैनिंग को तो 3 करोड़ मिले, लेकिन हरमनप्रीत कौर को जितना करोड़ रुपए मिला वो सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को WPL 2023 का रोमांचक फाइनल मुकाबला जीतने के बाद 6 करोड़ के इनाम से नवाजा गया। और ये 6 करोड़ का इनाम तो देखने के लिए आप सभी को काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों असली रकम अगर आपको हम बताएं, जो नीता अंबानी ने मुंबई इंडियंस की पूरी टीम पर न्यौछावर कर दी है, वो लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नीता अंबानी ने 30 करोड़ रुपए के लगभग मुंबई इंडियंस की टीम को मैच जीतने के बाद दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक से बढ़कर एक अवार्ड और इनाम टीम को दिए गए, और WPL जीतने वाली टीम पर तो IPL से जीतने वाली टीम से भी ज्यादा पैसों की बरसात हो गई। हालांकि यहाँ पर नीता अंबानी ने अपना दिल खोलकर यहाँ खूब पैसा मुंबई के खिलाड़ियों को दिया है। बाकी आप सब यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि नीता अंबानी ने कितना रुपए दिया, सबको कितने कितने रुपए मिले। तो दोस्तों एक से बढ़कर एक ये अवार्ड महिलाओं को ये WPL का मुकाबला जीतने के बाद मिले, और दोस्तों करोड़ों रुपए की बरसात तो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों पर ऐसे ही हो गई। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा भी कि हरमनप्रीत कौर, नेट सीवर बंट, हिली मैथ्यूज जैसे खिलाड़ियों को WPL के पहले सीजन में दमदार प्रदर्शन के लिए खूब अवार्ड के साथ खूब पैसे भी मिले। अब आप सभी की क्या राय है WPL 2023 के फाइनल मुकाबले के बाद, और आपके अनुसार मुंबई इंडियंस की टीम को जितनी रुपए मिले हैं वो क्या सही राशि है, या फिर इससे कम पैसा मिलना चाहिए था मुंबई की टीम को? अपने सोच विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।